भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कवर्धा की कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने त्वरित रूप से दोषियों पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए और कहा, छत्तीसगढ़ शांति के टापू का प्रतीक है और हमेशा छत्तीसगढ़ की शांति यूं ही हम बरकरार रखेंगे। वहीं उन्होंने कहा, जो दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सीएम भूपेश बघेल ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। कवर्धा मामले को लेकर सीएम ने ये उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे महानिदेशक मौजूद रहे, साथ ही साथ इसमें तमाम कलेक्टर अधिकारी मौजूद रहे और सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था जो है वो छत्तीसगढ़ में बनाई रखेंगे, इसके लिए सख्त निर्देश दिए जाएंगे। उसके लिए आज उच्च स्तरीय बैठक भी हमने की है जिसमें मंत्रीगण थे, होम मिनिस्टर थे, प्रभारी मंत्री थे, अकबर भाई और चौबे जी भी साथ में थे, सीएस और पीजी साथ में थे, एसीएस होम में थे, एसपी कलेक्टर भी उपस्थित थे, ब्यूरो कांग्रेस के माध्यम से जुड़े थे। मैंने इस पर निर्देश दिया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और एडीजी विवेकानंद जी को मैंने निर्देशित किया है कि जो भी सत्य है उसे प्रेस के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया जाए कि आखिर इसके लिए कौन दोषी है। कोई भी जो इस घटनाक्रम के जो दोषी है, चाहे किसी वर्ग के हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी मुझे पहुंच रखने वाला हो, वो जनता के सामने आना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।